हाय फ्रेंड, नीतू क्रिएटिव कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वॉल डेकोर गणपति। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वॉल डेकोर गणपति बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिठाई का डब्बा और इसे सर्कल शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लेंगे एक कटोरी और उसमें डालेंगे थोड़ा सा फेविकॉल। जितना हम फेविकॉल डालेंगे उतना ही इसमें पानी भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच वॉल पुट्टी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे हम एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। अब हम अपना गणपति का बेस लेंगे और हम इस मिश्रण को इस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तभी हम इस पे आगे काम करेंगे। मैंने एक पेपर से सेम सर्कल कट कर लिया है और एक पेज पर गणपति भी ड्रॉ कर लिया है। इस गणपति को हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसे हम इस तरीके से रखेंगे और एक कटोरे की सहायता से हम बीच में छोटा सर्कल बनाएंगे। इससे जो हमारा साइड का बॉर्डर एरिया है वो निकल जाएगा। मैंने लिया है एक पुराना डब्बा और इसमें लिया है थोड़ी सी बॉल पुट्टी। बॉल पुट्टी को पानी की सहायता से गूंथ लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे और जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे भी गूंथ लेंगे। अब हम बॉल पुट्टी लेंगे। बॉल पुट्टी को एक प्लास्टिक के सीट पे रख के उसे हम पेन की सहायता से बेल लेंगे। आपके पास अगर खिलौने वाली बेलन है तो आप उससे भी बेल सकते हैं या आप अपनी सुविधा अनुसार इसे किसी भी तरह से बेल सकते हैं। हमने जो पेपर का बॉर्डर कट किया था उसे इस पे रख के हम अपना बॉर्डर कट कर लेंगे और जो गणपति का डिज़ाइन भी कट किया था उसे भी हम कट कर लेंगे। गणपति का डिज़ाइन कट करने के बाद उसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमने जो बॉर्डर एरिया कट किया था उसे हम फेविकॉल या पानी की सहायता से बॉर्डर वाले एरिया पे चिपका लेंगे और जो अनइवन एरिया है उसे कट कर देंगे। चिपकाने के बाद इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद आपको इसमें जो डिज़ाइन पसंद हो वो डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। हमने जो गणपति बनाया था वो सूख गया है तो इसे हम पुट्टी या फेविकॉल की सहायता से चिपका लेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम एक कटोरी में 2 चम्मच बॉल पुट्टी, 1 चम्मच फेविकॉल और 1 चम्मच पानी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक कोन बनाएंगे और उसमें इसे भर के हम जैसे जैसे वो डिज़ाइन बनाया हुआ है उसी तरह से उस पर अप्लाई करते जाएंगे। बॉल डेकोर गणपति तो बन गया है, अब हम इसे करेंगे कलर। कलर करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ब्लैक कलर। मैं बॉर्डर वाले एरिया पे और गणपति को ब्लैक कलर से कलर करूँगी और बीच वाला जो एरिया है मैं उसे रेड कलर से कलर करूँगी। फ्रेंड्स, कलर करते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर पहले से आपने कोई कलर अप्लाई कर रखा है तो उसे सूखने दें। जब वो सूख जाए तब आप दूसरा कलर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, मैंने इसे ब्लैक और रेड कलर से कलर कर लिया है।
अब मैं इसे और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे गोल्डन मेटैलिक कलर से इसे हाईलाइट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं इसे अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको फिंगर से अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वॉल डेकोर गणपति बनके तैयार हो गया है। मैंने इसमें दो छोटे छोटे फ्लावर भी लगा दिए हैं। अब इसे हैंग करने के लिए पीछे के साइड डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग वाले जगह पे मैं ग्लू गन की मदद से वहाँ पे ग्लू लगाऊंगी और एक डोरी लेकर वहाँ पे चिपका दूंगी। मैं लूंगी एक कागज का टुकड़ा और इसे भी ऊपर से चिपका दूंगी। तो फ्रेंड्स, घर में पड़े बेकार सामान और 15-20 रुपए की लागत से हमने बनाया है इतना सुंदर डेकोरेटिव पीस। आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।